बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों, अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आप लोग खुद से अपना फॉर्म कैसे भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कितना रुपया लगेगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है। सारा जानकारी आज के इस वीडियो में हम आप लोग को देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों संकायों में 16,53,592 सीटों पर होगा नामांकन। छात्र अपने मनचाहे स्कूल और कॉलेज में दाखिला ले सकेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि आज से आपका जो है एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंटर में नामांकन के लिए आवेदन आज से होगा, आज से आपका जो है आवेदन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर क्लियरली जो है बोला गया कि 17 जुलाई तक आज से स्टार्ट होगा और 17 जुलाई तक आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर आप लोग जो है अपना फॉर्म कैसे भरेंगे, खुद आप अपना जो है फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, या तो गूगल जो है ओपन कर लीजिए, नहीं तो कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ जो सर्च टैब है उसमें आपको लिखना है OFSS। यहाँ पर जो है हम टैप करेंगे OFSS, यहाँ पर आपको लिखना है OFSSBihar.in। तो यहाँ पर जैसे ही आप OFSSBihar.in लिख करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नीचे जो है एक यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा OFSS करके। तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार बोर्ड का, वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यह वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। और ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, हल्का एक बैक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म का अभी ऑप्शन जो है दे रहा है। अभी जो है ऑनलाइन फॉर्म का जो है फॉर्म भरना जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ देर में आपका स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी आप देख लीजिए कि कैसे फॉर्म आप जो है खुद से भरेंगे। तो इस जो ये जो आपका बटन है इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं, तो आप फर्स्ट वाले फॉर्म नंबर 5 को डाउनलोड करेंगे। अगर आप बिहार के स्टूडेंट नहीं हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप जो है 6 नंबर फॉर्म को जो है डाउनलोड करेंगे। देखिए आपको करना क्या है, अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास किए हैं तो यहाँ पर आपको 5 नंबर फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, तो आप लोग यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम जो है इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो है आपका फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सारा डिटेल हम आपको बता देते हैं कि आखिर आप लोग अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। फॉर्म भरने के लिए इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके आप जो है निकलवा लीजिए, जो है प्रिंट आउट करवा लीजिए। प्रिंट आउट करवाने के बाद यहाँ पर आप इसको अच्छा से भर लीजिए। देखिए कैपिटल लेटर का ही उपयोग करेंगे हमेशा, फॉर्म भरने के समय में बड़े अक्षर का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले भरना है कि आप देख सकते हैं कि .NET पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी .NET का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें .NET ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कि आपने किस साल मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, यहाँ पर आपको साल भर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी परीक्षा पास की है, वार्षिक या पूरक। तो अगर आप लोग वार्षिक किए हैं तो वार्षिक भरेंगे, पूरक किए हैं तो पूरक भरेंगे। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। इसके बाद जो है रोल नंबर, इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल कोड भरेंगे। यहाँ आप अपना नाम भरेंगे, मेल फीमेल क्या है, तो अगर लड़का है तो मेल भरेंगे, लड़की है तो फीमेल भरेंगे। फादर्स नेम भरेंगे, मदर्स नेम। इसके बाद जो है आपने जिन स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया उसका नाम यहाँ पर आप क्या कर देंगे, भर देंगे। इसके बाद पूरक, यहाँ पर आपको बोला गया क्या आपने मैट्रिक की परीक्षा पूरक परीक्षा अथवा जो है समुन्ना परीक्षा जो है समुन्ता जो आपका परीक्षा है वो पास किया कि नहीं, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, क्योंकि आप मैट्रिक पास करेंगे तभी आपको एडमिशन मिलेगा इंटर में। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, हाँ लिख देंगे, यस लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको भरना है, मार्क्स डिटेल। यहाँ पर मैट्रिक परीक्षा में परीक्षा के विषय 12 अंकों की विवरणी यहाँ पर आपको भरना होगा, ठीक है। 6 विषय आपका हुआ था एग्ज़ाम, 6 विषय में विषय का नाम यहाँ पर आप डाल देंगे। अधिकतम अंक जो है
सौ सौ मार्क का होता है, सभी सौ सौ मार्क डाल देंगे। इसके बाद प्राप्तांक कितना मिला आपको, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर आपने मैथ लिखा, मैथ में 100 यहाँ पर लिख देंगे, 100 में आपको कितना अंक आया यहाँ पर लिखेंगे, और ये सभी खाना को भरने के बाद यहाँ पर आप जो है कुल योग कर देंगे, टोटल यहाँ पर आप जो है लिख देंगे। ठीक है, ये उस स्टूडेंट को भरना है जो स्टूडेंट पास किए हैं, कौन तो कंपार्टमेंटल एग्जाम पास किए हैं उस लोगों के लिए वो ये भरना है, और अगर आप पूरक पास किए हैं तो ये आपको, ये अगर आप एनुअल एग्जाम पास किए हैं तो ये भरना है आपको। फिर आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली बोला गया है स्कूल कॉलेज का पता, स्कूल कॉलेज का पता आप भरेंगे, जिस ज़िले में अपना स्कूल है यहाँ पर आप भर देंगे कि ज़िला में आपका स्कूल था, ठीक है, जहाँ से आपने पास किया है, आपने किस वर्ष उस स्कूल में नामांकन लिया था, जिस स्कूल में से आप टेंथ पास किए हैं वहाँ पर कब एडमिशन लिए थे, यहाँ पर आपने किस साल उस स्कूल से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की, कब आप मैट्रिक पास किए हैं वो यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद अपनी मकान संख्या आप भरेंगे, या फिर गांव जो भी है, आप यहाँ पर जो है अपना एड्रेस देख सकते हैं कि क्लियरली आपको इसमें बोला गया कि पत्राचार का पता नीचे भरे, यहाँ पर आपको पत्राचार का पता भरना है, गांव का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रखंड देंगे, जिला देंगे, राज्य देंगे, पिन कोड देंगे, इसके बाद जो है मोबाइल नंबर आपको देना अनिवार्य है, ईमेल आईडी दे दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, जाति और दिव्यांग कोटा है कि नहीं, तो जो दिव्यांग होंगे, जो विकलांग होंगे लिखेंगे हाँ, और जो नहीं होंगे वो लिखेंगे नहीं। इतना भरने के बाद यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ जो भरना होगा वो कॉलेज का चॉइस। देखिए कॉलेज में आप लोग जो है कम से कम 5 और अधिक से अधिक 20 कॉलेज का जो है चॉइस भर सकते हैं कि आखिर आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस ज़िले के कॉलेज या स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जिला भर देना है, स्कूल कॉलेज का नाम भर देंगे, और संकाय साइंस आर्ट कॉमर्स क्या लेना चाहते हैं तो भर देंगे। तो कम से कम आप लोग जो है दे दीजिएगा, सबसे अगर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसका नाम एक नंबर पर दीजिएगा, बाकी आप लोग जो है 10-20 कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं, कम से कम 5 दीजिएगा, अधिक से अधिक 20 आप कॉलेज का दे दीजिएगा, जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप जो है वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने वाले छात्र जो है 300 रुपया में आवेदन शुल्क नगद में जो है आप जमा करेंगे। अगर आप वसुधा, देखिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीका से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए ऑफलाइन अगर आप भरना चाहते हैं तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म को भर लीजिए और वसुधा केंद्र पर जाकर के जमा कर दीजिए, वहाँ पर आपको टोटल 300 रुपया देना होगा और 20 रुपया अलग से देना होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए, भर लीजिए और वसुधा केंद्र पर जाकर के जमा कर दीजिए 300 रुपया और प्लस 20 रुपया, 320 रुपया आपको जमा करना होगा। ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भरना जैसे ही स्टार्ट होगा हम आप लोग को तुरंत जो है बताएंगे, 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद आपका ऑनलाइन भरना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। बिहार बोर्ड से संबंधित सूचनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।